धोके काट लीजिए। इसमें नमक लगेगा, भिगोया हुआ चना दाल लगेगा, प्याज, लहसुन, पंचफोरन और लाल मिर्च। ये सबको छोटा छोटा टुकड़ा में काट लीजिए। कढ़ाई गर्म होने पर इसमें पानी दीजिए। चना दाल को बॉईल होने के लिए दीजिए। और थोड़ा नमक दीजिए। चना दाल बॉईल होने तक और थोड़ा भी पानी लग सकता है। और इसको ढक लीजिए। चना दाल हम लोग का बॉईल हो गया है। थोड़ा नरम होने पर साग दीजिए। कोई भी साग में कर सकते हैं ऐसे। जो भी साग आपको पसंद है ऐसे साग में आप चना दाल मिला के कर सकते हैं। टमाटर देना चाहे तो दे भी सकते हैं। ये थोड़ा और अच्छे से पक जाए इसको ढक लेना है। ये अच्छे से अभी बॉईल हो गया है।
उसी कढ़ाई में हम लोग छौंका लगाएंगे स्वाद के लिए। रखा हुआ प्याज लहसुन पंचफोरन को उसमें डालना है। मिर्चा को तोड़ के देना है। लाल होने तक थोड़ा सा भून लीजिए उसको। अभी साग को रखा हुआ साग को दे दीजिए। अभी चाहे तो आप उसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। नमक लगेगा तो दे दीजिए स्वाद अनुसार। पानी कम हो गया है, अभी खाने के लिए रेडी है। खाइए और दूसरों को भी खिलाइए।